नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो रीसेंट रिफॉर्म आया है स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट में जर्मनी के उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और एक मेजर टॉपिक इसी में कवर करने वाली हूं मैं वो है चांस कार्ड का विच इज अपॉर्चुनिटी कार्ड तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा जर्मनी में पहले से ही एक लॉ था स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट जिसके थ्रू लोग इंडिया से जॉब लेके आ सकते थे यहाँ पे मतलब जॉब ढूंढते थे फिर उनको मिल जाती थी फिर वो अपना प्रोसेस करते थे वीजा एंड देन वो यहाँ पे आके काम करते थे अभी क्या हुआ है इस लॉ को जर्मन गवर्नमेंट थोड़ा और मॉडर्न बनाना चाहती है उसके लिए ये तीन ऐसे मेजर चेंजेस लेके आ रही है इस एक्ट में और ये रिफॉर्म ऑलरेडी पास हो चुका है गवर्नमेंट में तो इसके जो तीन मेजर चेंजेस हैं वो बेनिफिट करेंगे उन लोगों को जो कि ऑलरेडी एक डिग्री होल्डर हैं उनके पास वोकेशनल डिग्री है यूनिवर्सिटी डिग्री है सेकंड वो लोग जो कि एक्सपीरियंस लोग हैं तो उनको बेनिफिट करेंगे चेंजेस थर्ड जो जॉब सीकर हैं और जो जर्मनी में आके जॉब करना चाहते हैं उनको बेनिफिट करेंगे ये चेंजेस सो so, पहला पॉइंट जो है वो स्किल्ड वर्कर्स के लिए है इसके अंदर अगर कोई स्किल्ड वर्कर जर्मनी में जॉब करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि जिसमें उसने पढ़ाई की है वो वैसी ही जॉब ढूंढे। अभी तक यही प्रैक्टिस होता आया था बट अब इससे ये बेनिफिट होगा कि आप कोई भी जॉब ढूंढ सकते हैं और एक और एडिशनल इसमें बेनिफिट ये है कि जो ई ब्लू कार्ड की लिमिट है वो रिड्यूस की जाएगी तो मतलब कम सैलरी में जो रेंज सेट होगी उस पर आप ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और आपको ब्लू कार्ड मिल सकता है दूसरा पॉइंट है उन एक्सपीरियंस्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो अगर आपके पास मिनिमम दो साल का भी वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको जर्मनी में एंट्री मिल सकती है यहाँ पे आके जॉब ढूंढने के लिए और अगर आपके पास वोकेशनल डिग्री भी है कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है तब भी आप यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं और फिर एक मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर आपको वैसी जॉब मिल जाती है तो आप फिर अप्लाई करके यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं सो so, जो थर्ड रिफॉर्म है उसके अंदर है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है चांस कार्ड को तो चांस कार्ड को आप अपॉर्चुनिटी कार्ड भी बोल सकते हैं शॉन्शन कार्ड भी बोल सकते हैं इस कार्ड को अप्लाई करके आप जर्मनी में किसी थर्ड मतलब कि नॉन ईयू कंट्री से जर्मनी में आ सकते हैं और फिर जॉब ढूंढ सकते हैं सो so, ये बेनिफिशियल क्यों है क्योंकि ऑलरेडी जॉब सीकर वीजा भी है जर्मनी में जिसको लेके लोग आते हैं यहाँ पे जॉब ढूंढने बट इसके और बेनिफिट्स इन डेप्थ मैं आगे वीडियो में कवर करने वाली हूँ ये बस शॉर्ट में मैं ये समझाना चाहती थी कि जर्मनी ऐसा रिफॉर्म लेकर आया है अपने स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट में जिसको कि और मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है और थोड़ा लेस ब्यूरोटिक इसको कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी में कोई भी वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना हो या फिर कुछ भी प्रोसेस करना हो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो लेट्स सी कि ये आगे जाके कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है सक्सेसफुली और अब हम जानते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड को इन डिटेल सो व्हाट्स दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड सो इस कार्ड को और इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है हाई स्किल्ड हाईली स्किल्ड वर्कर्स को नॉन यूरोपियन कंट्रीज से अट्रैक्ट करने के लिए जर्मनी में ताकि वो यहाँ पे आके जॉब करें क्योंकि जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है तो इस कार्ड को आप कह सकते हैं कि ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जॉब सीकर वीज़ा का और ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर अप्लाई किया जाएगा मतलब आपकी एलिजिबिलिटी को एक पॉइंट के हिसाब से पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के हिसाब से नंबर्स दिया जाएंगे और अगर आप वो नंबर क्वालीफाई करते हो तो फिर आप एलिजिबल हो इस कार्ड को लेके जर्मनी में एंट्री लेके जॉब ढूंढने के लिए तो क्या आप ये अभी अप्लाई कर सकते हैं सो so, इसका आंसर है नहीं क्योंकि ये बहुत ही रिसेंट रिफॉर्म है जो अभी आया है और पिछले हफ्ते ही इसको अप्रूव किया गया है तो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है इसका ऑफिशियल जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और लोग इसको ले सकते हैं और फिर जर्मनी आ सकते हैं एस्टिमेटेड डेट जो मुझे मिली है मीडिया रिपोर्ट से वो है मार्च ऑफ 2024 मतलब अगले साल 2024 में से ही ये स्टार्ट हो जाएगा बट कहीं ना कहीं जर्मन गवर्नमेंट को ये भी पता है कि ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कुछ कुछ प्रोफेशंस में जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ उस वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों और डेट्स में चेंजेस आ जाएं और चीज़ें इन एडवांस हो जाएं थोड़ी और आप ये पहले ही अप्लाई कर सकते हैं बट अभी तुरंत राइट अवे नहीं अप्लाई किया जा सकता और जैसा अभी मैंने बताया आपको कि शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स हैं जर्मनी में तो हाँ सिर्फ आईटी में ही नहीं आईटी भी एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे शॉर्टेज है स्किल्स की लोग नहीं हैं लोग कम हैं काम करने के लिए और ओवरऑल बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर लोग कम पड़ रहे हैं और जर्मनी जैसे देश को और अपनी इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए उनको वर्कर्स की ज़रूरत है और वो वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी मिले वो यहाँ पे आए और जॉब ढूंढे इसके लिए ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है तो लास्ट ईयर की रिपोर्ट से 1.98 मिलियन जॉब्स 2022 में वेकेंट थी मतलब वो फिल नहीं कर पाए बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आईटी जॉब्स थी आईटी जॉब्स के साथ साथ यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जैसे कि नर्सेस की और डे केयर में जहाँ पे बच्चे रहते हैं वहाँ पे जो केयरर्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट है देन जिनको जैसे हम इंडिया में बात करते हैं कि एक लेबर मार्केट है वैसी यहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे लेबर्स की शॉर्टेज है जैसे आप वो मेटलर्जी की मान लीजिए किसी ऐसी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पे मेटल बनाया जा रहा है या उससे साथ काम किया जा रहा है वहाँ पे शॉर्टेज है लोगों की इसी के साथ जैसे क्राफ्टमैन होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है केटरिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इवन रिटेल स्टोर्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आपको वहाँ पे सेलर नहीं मिल रहे हैं मतलब जॉब्स वेकेंट जा रही हैं लोग वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो एडवर्टाइज कर रही हैं बट जॉब फिल नहीं हो पा रही है तो ये भी कह सकते हैं अगर मैं ईजी uh, लैंग्वेज में बोलूँ कि हाई प्रोफेशनल हाई पेइंग जॉब्स तो है ही जैसे आई वगैरह हो गई बट आप जो ये रिटेल वाली जॉब देख रहे हो इसकी सैलरी कंपैरेटिवली आईटी टी वर्कर्स से कम होगी तो ये एक ऐसी जॉब मार्केट है जो कि बहुत ज़्यादा हाई पेइंग भी नहीं हो सकती वो आपको नॉर्मल इतना जर्मन गवर्नमेंट एक लिमिट सेट करेगी कि अगर आप ये आपकी सैलरी मिल रही है तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए लॉन्ग टर्म में रहने के लिए बट ये उतनी हाई पेइंग नहीं होगी स्टिल रिक्वायरमेंट है देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की कमी है और वेयरहाउस मैनेज करने के लिए लोगों की कमी है जर्मनी में वैसी जो फूड प्लांट्स होते हैं जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे लोगों की बहुत कमी है क्योंकि जॉब्स वहाँ पे वेकेंट गई हैं पिछले साल सो so, ये जो रिपोर्ट मैं पढ़ रही हूँ इसके हिसाब से कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे लोगों की कमी है और जर्मनी उसको ओपन कर रहा है फॉरनर्स के लिए so, अब हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अभी चार पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं बाकी कुछ जगह मैंने ऐसा भी पढ़ा कि जो पॉइंट बेस्ड कैलकुलेटर सिस्टम है इनका वो लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास डिग्री है तो आपको चार पॉइंट मिलेंगे कुछ लोग बोल रहे हैं कि छः पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपको जर्मन आती है बी टू तक तो आपको दो पॉइंट मिलेगा अगर आप ऑलरेडी लास्ट पाँच साल में जैसे रह चुके हैं जर्मनी में तो आपको एक पॉइंट मिलेगा और टोटल आपको छः पॉइंट जैसे चाहिए ये कार्ड अप्लाई करने के लिए बट ये जितने भी चीज़ें भी मैंने बताई ये अभी मैं कहीं इसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं ढूंढ पाई हूँ तो मैं अभी इसको आपको ये बोलूंगी आप इसको इग्नोर कीजिए आप बस ये सोच के चलिए कि चांस कार्ड को अप्लाई करने के लिए एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम होने वाला है जो कि बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो चार फिक्स चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पहली चीज़ ये कि अगर आपके पास कोई ऐसी यूनिवर्सिटी डिग्री है या वोकेशनल डिग्री है या फिर कोई ऐसी इक्वलेंट डिग्री है तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए सेकेंड चीज़ आपके पास तीन साल का एटलीस्ट वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आपके पास ज़्यादा चांसेस है मतलब आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और फिर आपकी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रांग होगी इसको इस कार्ड को लेने के लिए सो so, अगर लैंग्वेज की बात करें तो या तो जर्मन चाहिए होगी या फिर इंग्लिश चाहिए होगी ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे जर्मन अगर आपके पास ए टू लेवल की आती है उस पर पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आपको इंग्लिश बी टू लेवल की आती है तो उस पर पॉइंट्स मिलेंगे तो मेरा अगर आप पर्सनल सजेशन मांगोगे तो आप जर्मन को बिल्कुल इग्नोर मत करिए अनटिल एनलेस आप सिर्फ आईटी प्रोफेशन के लिए फोकस कर रहे हो आप अगर जर्मन सीखना स्टार्ट कर देते हो अभी से क्योंकि अगर मार्च 2024 की डेडलाइन देखा जाए तो ए टू कवर करने में आपको बहुत टाइम भी नहीं लगेगा आपको ये दो तीन महीने में आप पूरा कवर कर लोगे एग्जाम दे सर्टिफिकेट ले लो एंड देन जो है आपकी प्रोफाइल और स्ट्रांग हो जाएगी देन फोर्थ पॉइंट है एज क्राइटेरिया एज अगर आपकी 35 या 35 से कम है तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं इस कार्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए एंड देन टोटल जिन चारों चीज़ों का जो अभी मैंने चार पॉइंट्स बताए हैं इस पे जो आपको स्कोर्स दिए जाएंगे उन स्कोर्स को सम किया जाएगा एंड उस हिसाब से आपको ये अपॉर्चुनिटी कार्ड दिया जाएगा तो अब बेनिफिट्स क्या हैं इस कार्ड के क्योंकि ऑलरेडी एक जॉब सीकर वीज़ा तो है तो जॉब सीकर वीज़ा छः महीने का होता था ये आपको देगा वीज़ा ट्वेल्व मंथ्स का तो मतलब आप एक साल तक जर्मनी में आके रह के जॉब ढूंढ सकते हैं इनिशियली हो सकता है कि आपसे कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट आपका प्रूफ मांगा जाए कि आप इनिशियल डेज में कैसे अपने आप को सपोर्ट करोगे बट इस अपॉर्चुनिटी कार्ड्स के साथ ये भी एक बेनिफिट आता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं कोई भी जॉब कर सकते हैं जिसकी लिमिट होगी अप तो टू ट्वेंटी आवर्स पर वीक तो मतलब कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब आपने कर ली और उससे आपका डेली का खर्चा मैनेज हो रहा है एंड एक ऐसी भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी जिस पे एम्प्लॉयर आपको एक ट्रायल जॉब पे भी रख रहा है दो हफ्ते तक जिसमें वो आपको चेक कर रहा है कि क्या आप सूटेबल हो उस जॉब के लिए या नहीं तो अगर वो आपको एम्प्लॉयर अप्रूव कर देता है तो आपको वो जॉब मिलेगी देन आप वो अपना सारा जॉब का डॉक्यूमेंट लेके वीज़ा ऑफिस जाओगे और वहाँ पे आप अपना लिए अप्लाई करोगे एक लॉन्ग टर्म परमिट के लिए सो so, ये थे बेनिफिट्स अपॉर्चुनिटी कार्ड के और अगर 12 महीने हो जाते हैं और आप जॉब नहीं ढूंढ पाते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है अनफॉर्चुनेटली आपको वापस जाना पड़ेगा जैसे कि जॉब सीकर वीज़ा में होता है अगर आप कोई ऐसा दिखा नहीं पाते हो कि आपके इंटरव्यूज़ अलाइन शेड्यूल्ड हैं और आपके पास कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट है सूटेबल आपके प्रोफेशन के हिसाब से तो जॉब सीकर में वापस जाना पड़ता है वैसी अपॉर्चुनिटी कार्ड में भी एक साल में अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको वापस जाना पड़ सकता है बट अगर आप तब भी अपने फिनेंशियल सपोर्ट या कुछ ऐसी एविडेंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हो वो दिखाते हो तो ये भी हो सकता है कि आपके उस वैलिडिटी को एक बार रिन्यू कर दिया जाए अगले एक साल या दो साल के लिए सो so, सिंस ये लॉ अप्रूव हो गया है बट अभी इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है सो so, ये लॉ अब जाएगा फेडरल प्रेसिडेंट के पास वो वहाँ पे साइन करेंगे फिर इस लॉ में जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं इसको वहाँ पे अपडेट किया जाएगा तो इसका जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो अभी अवेलेबल नहीं है बट आप भी, जो भी मैंने आपको बताया उसके कुछ सोर्सेज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अगर आपकी जर्मन अच्छी होगी तो फिर बहुत अच्छी बात है नहीं तो फिर आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा सो so, मुझे लग रहा है मैंने बेसिक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अपॉर्चुनिटी तो कार्ड पे और आने वाले कुछ दिनों में ये और क्लैरिटी हो जाएगी कि किस डेट से फाइनली ये सब स्टार्ट हो रहा है कैसे अप्लाई कर सकते हैं जैसे वी के थ्रू अप्लाई किया जाता है बाकी वीज़ा जर्मन एम्बेसी के थ्रू किया जाता है वी के थ्रू किया जाता है वैसे क्या इसको भी ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आपको वैसी पूरा पेपर बेस् सिस्टम होगा कि अप्लाई करना है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाना है फिर वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट है सो ये चीज़ें हमें बाद में पता चलेंगी बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा See you in next vlog. Bye.